ये वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इंडियन आइडल के बारे में बात करेंगे, इंडियन आइडल के कंपटीशन के बारे में बात करेंगे और इंडियाज़ बेस्ट डांसर चल ही रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत झलक देखेंगे। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे YG एंटरटेनमेंट के अंदर अगर आपने ऑडिशंस नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मिस इंडिया का ऑडिशन नहीं भरा तो ये वीडियो देखते रहिए, उस उधर भी हम थोड़ा बहुत झलक डालेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये है गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर लगभग 1610 मेंबर्स हैं जो कि सिंगर हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के पास कुछ इस तरह से मैसेज आ रहे हैं इंडियन आइडल वालों की तरफ से, और ये कुछ PDF भेजते हैं, बोलते हैं फॉर्म फिल करो, ये वो, आपका ऑडिशन हम सिलेक्ट करेंगे। आपको बताना चाहूँगा गाइस ये टोटली फेक है, फ्रॉड है, इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है क्योंकि ये लोग चार्ज कर रहे हैं और इंडियन आइडल में कभी भी आपको चार्ज नहीं देना है, एक रुपये भी नहीं लगता जब आप अपना ऑडिशन देते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। अब क्या वास्तव में इंडियन आइडल के रजिस्ट्रेशंस निकले हुए हैं उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल गाइस इंडियन आइडल के रजिस्ट्रेशंस निकले हुए हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशंस नहीं निकले हुए, लेकिन किस चीज़ के निकले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लिख रहा हूँ इधर इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट खुल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आहा वीडियो इन वेरीफाइड है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपके सामने कुछ डेटा नज़र आएगा, ये अभी ब्राउजिंग हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इधर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि इंडियन आइडल के रजिस्ट्रेशंस हैं 11 फरवरी 11 AM कहाँ पर, साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल कोथापेट हैदराबाद। अब ये लोकेशन गाइस तेलुगु वालों के लिए, जो तेलुगु जानते हैं, जो तेलुगु में सिंगिंग कर सकते हैं, वो 11 फरवरी को इंडियन आइडल के ऑडिशंस दे सकते हैं। ये इंडियन आइडल ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कि फेक फ्रॉड है, लेकिन ये इंडियन आइडल तेलुगु वर्जन है। इंडियन आइडल के और भी वर्जन है जैसे इंडियन आइडल मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, हिंदी हो गया, इंडियन आइडल किड्स वाला भी हो गया, लिटिल चैंप बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, वो भी हो गया। तो कहीं किसी अफवाह में मत आ जाइए, तेलुगु के देने हैं तो दे सकते हैं, मराठी के भी आएंगे उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो 14 वाला होगा वो अभी नहीं आने वाला, कम से कम 2-3 महीने तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो गाइस यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यार मैं आपको इंडियन आइडल के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँ 0 से लेके 100 तक कि भाई क्या 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 कैसे कैसे होता है, ताकि हम अभी से अपनी तैयारी कर लें, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको पूरा बताऊंगा क्योंकि हमने 13 के भी पूरे डिटेल में बताई थी। अगर आप चाहते हैं 14 का अभी से बता दिया जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकें, बिल्कुल क्लियर कर सकें आपको। यहाँ पर प्रियोसी नाथ लिखते हैं, क्या मैं सिंगर रैपर डांसर तीनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या चलेगा ये? क्योंकि ये JYP एंटरटेनमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। JYP एंटरटेनमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी कंपनी है जो K-pop के ऑडिशंस कराती है, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ना ही कोई कंट्री बैरियर है, कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड बताया हूँ भाई कैसे कैसे आपको करना है, यहाँ तक कि मैंने इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात की है। दोनों वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, आपको और आगे का प्रोसेस बताऊंगा, रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपने यहाँ तक प्रोसेस पूरा कर लिया है YG एंटरटेनमेंट का, तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि हम आगे उसके बारे में भी डिस्कस कर सकें। सुमन रानी यहाँ पर लिखते हैं, क्या 30+ के ऑडिशंस दे सकते हैं? तो इंडियाज़ बेस्ट डांसर में 30+ ऑडिशंस अलाउ नहीं है, बट कोई अदर कंपटीशन आता है जैसे डांस प्लस 7 हो गया या कोई अदर आता है उसमें शायद 30+ अलाउ होता है, इसमें तो नहीं है मेरे हिसाब से। स्माइल विद सिका यहाँ पर लिखती है कि सिटी डालने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, भैया प्लीज़ बताओ क्या करें। देखो अगर आपका नेक्स्ट का बटन नहीं आ रहा तो आप रात को ट्राई कीजिए या मॉर्निंग में उठते ही ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर दीजिए, अगर फिर भी नहीं आता तो उसका जो कैशे फाइल होता है उसको क्लियर करके देखिए, अगर फिर भी नहीं आता तो आपको थोड़ा वेट करना है,
आ जाएगा, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग एक साथ फॉर्म फिल करते हैं जिसकी वजह से जो ये ऐप है वो क्रैश हो जाता है। द वीकेआर यहाँ पर लिखते हैं कि हसल सीजन 3 के ऑडिशंस आए तो ज़रूर वीडियो बनाना सर। बिल्कुल बनाएंगे यार, उस टाइम आया था जब भी बनाया था, और इस बार आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सहान सिंगर यहाँ पर लिखते हैं कि 2023 के जो ऑडिशंस हैं वो कब आ रहे हैं, कैसे हम दे सकते हैं। सारे गामा पा के ऑडिशंस अब आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, जैसे इंडियन आइडल क्लोज होगा, मैंने आपको बता दिया है। बस तैयार रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, कोई भी चांस मिस मत करना इस बार। लक्की आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर रिकॉर्ड का बटन काम नहीं कर रहा, तो बिल्कुल यार रिकॉर्ड का बटन काम नहीं कर रहा होगा, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, सर्वर डाउन चल रहे हैं, बहुत से लोगों के नहीं हो रहे, ऐसा नहीं कि आपका ही नहीं हो रहा, बहुत से लोगों का नहीं हो रहा है। तो आप बस इसमें तो यही कह सकते हैं कि प्रैक्टिस और ट्राई, जितना आप ट्राई कर सकते हैं उतना ट्राई कीजिए, एक ना एक बार हो जाएगा। सिमरन प्रजापति लिखते हैं द सिंगिंग शो के बारे में कुछ बताइए, क्या मैं दे सकता हूँ। देखो यार, अगर बहुत सारे इंस्टाग्राम पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स आते हैं, मैं जल्दी इसके ऊपर बात करूँगा, जितने भी फेक फ्रॉड सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, अगर आपको लगता है कि जितना पैसा चार्ज कर रहे हैं उतना आपका वसूल हो जाएगा, उतना आपको सीखने को मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको लगता है ये उम्मीद से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, इतना तो हमारा कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला, तो फिर क्यों ही जाना, आप खुद समझदार हैं, क्यों ऐसे क्या किसी भी कॉम्पिटिशन में पैसे दे रहे हो। इससे अच्छा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उन कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनिए, जहाँ पर आपको कुछ लिमिट अमाउंट में फ़ीस देनी होगी, और जो भी विनर होगा वो सारा पैसा उठाकर उस विनर को दिया जाएगा। ये कितना अच्छा कंपटीशन होता है, पूरा हेल्दी कंपटीशन होता है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, इस ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, नहीं तो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। परवीन आर्यन यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन ऑडिशन देने के बाद क्या हमें ग्राउंड ऑडिशन भी देना होगा। बिल्कुल देना होगा, ग्राउंड ऑडिशन के बगैर आप ऑडिशंस नहीं कर पाओगे। महादेव सिंह यहाँ पर लिखते हैं क्या मध्य प्रदेश के लोग ऑडिशंस दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि मध्य प्रदेश वाले ऑडिशन नहीं देंगे, वो कंट्री में नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हो। महादेव सिंह लिखते हैं क्या आप मिस इंडिया के बारे में जानकारी दे सकते हो। बिल्कुल, मैंने मिस इंडिया के बारे में वीडियो बना दी है, आपने नहीं देखी तो जाकर देखिए। जो लोग भी अपना करियर देख रहे हैं ग्लैमर फील्ड में, एक्टिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, तो उनको मिस इंडिया के ऑडिशंस देने चाहिए। मिस इंडिया का देख लीजिए, फिर मिस्टर इंडिया का देख लेना, पर आपको ज़रूर ट्राई करते रहना है। देखो यार, सारा खेल ट्राई का, आप अभी ट्राई नहीं करोगे, आप सोचोगे छोड़ो इसमें नहीं जाते, इसमें जाते हैं, इसमें नहीं जाते, इसमें जाते। बहुत सारे लोग मैंने देखा है सुपर डांसर चैप्टर 5 में नहीं जाना चाहते, लेकिन वो डांस प्लस में जाना चाहते हैं। बहुत मैंने देखा है कि वो और भी बहुत सारे डांसिंग कॉम्पिटिशन है, इसमें नहीं, हम तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखो, जहाँ मौका मिले, जहाँ आपको लगे कि मुझे ऑडिशंस में क्रैक कर सकता हूँ, वहाँ पर आपको देना चाहिए। डांसर डांसिंग फील्ड में जाए, सिंगर सिंगिंग फील्ड में जाए, जब भी सही रहेगा। आप सोचोगे नहीं यार, मेरे को तो इंडियन आइडल में जाना है, मुझे सुपरस्टार सिंगर से क्या लेना, ऐसा नहीं करना। वो अलग बात है, एज कैटेरिया अलग है, तो आप जा नहीं सकते। जो इंडियन आइडल में जाते हैं वो सुपरस्टार सिंगर में नहीं जा पाते, लेकिन आप जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वहाँ पर तो ट्राई ज़रूर कीजिए ना, आपको ट्राई करते रहना, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है दीप्ति शिखा का, वो कहती हैं कि मुझे मिस इंडिया के बारे में जानना है, वीडियो बनाइए। बिल्कुल, हमने वीडियो बना दी है, लेकिन इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। इनका कहना है कि भाई पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, तो फिर उसकी ही दुनिया है, तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, जो ब्यूटीफुल नहीं है उसको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा आपने, लेकिन बात अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली है। ब्यूटीफुल का मतलब बहुत सारे लोग इस तरह से जज करते हैं, अगर वो फैटी हैं, मोटे हैं, और उनको जाना है मॉडलिंग में, लेकिन वो चाहते हैं कि हम मोटे हैं और मॉडलिंग करें, ये पॉसिबल नहीं है। और बाय चांस जैसे आप अगर कुछ भी फूड खा रहे हैं, आपके फेस पे पिंपल्स, मुहासे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फूड की वजह से आती हैं, उस केस में अगर आप चाहते हैं कि हम मॉडलिंग करें, वो पॉसिबल नहीं है। आप केपॉप में जाना चाहते हैं, आप किसी अदर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन आप जिन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, जैसे आप अपने फैट को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं, योगा एक्सरसाइज से आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं,
ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते, आप सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही वो लोग एक्सेप्ट कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं जो चीज़ नेचुरल है, जो भगवान ने बनाया है। भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने बनाया आपका रंग। आपके रंग को कोई सवाल नहीं कर सकता। आप ब्लैक हैं, वाइट हैं, ब्राउनिश हैं, जैसे हैं आप अच्छे हैं। लेकिन जो चीज़ भगवान ने नहीं बनाई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैटी हो गए हैं, भगवान ने फैट आपको नहीं दिया है। एक नॉर्मल फैट होता है, एक होता है ओवरवेट। ओवरवेट आप अपनी वजह से हो गए हैं। ये गाइस आप खुद करते हैं। कील, मुहासे, पिंपल्स, ये दुनिया भर की चीज़ें जो आप की पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं, लोगों की वजह से हो रही हैं, आपके फूड की वजह से हो रही है, ये आपकी वजह से। तो इस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जो चीज़ इम्प्रूव हो सकती है वो ये इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करके लाओ। अदरवाइज आप चाहे मिस इंडिया हो, चाहे के पॉप हो, या फिर कोई भी ग्लैमर कॉम्पिटिशन हो, आप पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। तो इसी चीज़ को इस इंडस्ट्री में ब्यूटीफुलनेस बोला जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने ऊपर मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।